Write a program to implement relational operator using input output function. Okay, मैं लिखता हूँ यहाँ पे hash include stdio.h hash include conio.h void main. इस टाइप से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे. और यहाँ पे सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए कॉमा बी. फिर उसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, सी एल आर एस सी आर लिखेंगे हम लोग. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग वेरिएबल को इनिशलाइज कर लेते हैं. इनिशलाइज करने के लिए हम लोग रन टाइम पे इनपुट लेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ मैं लिखूंगा, और प्रिंटफ में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे स्लैश एन एंटर वैल्यू फॉर ए. फिर उसके बाद हम लोग स्कैनफ लिखेंगे. कल हमने स्कैनफ देखा था, स्कैनफ में यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी कॉमा देके यहाँ पे लिखेंगे एम परसेंट ए. ए में हम लोग इनपुट ले लिए, सेम वैसे बी के लिए ले लेंगे प्रिंटफ स्लैश एन एंटर वैल्यू फॉर बी. स्कैनएफ से हम लोग क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे परसेंट डी, और यहाँ ले लेंगे एम परसेंट बी. बी में हमने इनपुट ले लिया. देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर. मैं डायरेक्ट प्रिंटफ के अंदर मैं दे रहा हूं, प्रिंटफ के अंदर यहां पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है. सबसे पहले मैं ग्रेटर देन को चेक करूंगा, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है. अब यहां पे हम लोग लिख लेंगे ए इज ग्रेटर देन बी. अगर ट्रू है तो बताएगा, ठीक है. मीन्स यहाँ पे मैं ए की जगह पे परसेंट डी में लिख लेता हूँ, ठीक है. बी की जगह पे मैं यहाँ पे परसेंट डी में लिख लेता हूँ. फिर यहाँ पे जो भी ट्रू या फिर फॉल्स आएगा वो भी हम लोग को यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं परसेंट डी. और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं दो वैल्यू ए कॉमा बी कॉमा, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे लाइक ए इज ग्रेटर देन बी. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए इज ग्रेटर देन बी. यहाँ पे हमने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी की जगह वैसे ही हम लोग लेस देन लिख लेंगे. मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, एडिट में गया और यहाँ से कर लिया कॉपी, और यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पेस्ट कर दिया. यहाँ पे हम लोग ग्रेटर के जगह लिख देंगे लेस देन. लेस देन, और यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज कर देंगे लेस देन. देन उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू. देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन और यहाँ इक्वल टू को ऐड कर देंगे, ठीक है. ये हमारा थर्ड रिलेशनल ऑपरेटर हो गया. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे शिफ्ट इंसर्ट, ग्रेटर देन हो गया. अब यहाँ पे हम लोग लेस देन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे लेस देन इक्वल टू. देन उसके बाद आएगा इक्वल टू, हम लोग शिफ्ट इंसर्ट यहाँ पे किए और यहाँ पे मैं लिख दूंगा
ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इक्वल टू। इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, इस टाइप का डबल इक्वल टू हम लोग साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यू ए और बी की डालेंगे वो यहाँ पे एक एक करके चेक करेगा। सबसे पहले ए इज ग्रेटर देन बी चेक करेगा, देन उसके बाद ए इज लेस देन बी चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी चेक करेगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी चेक करेगा, और ए इज इक्वल टू बी चेक करेगा। जो भी इस कंडीशन की वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, या तो ट्रू में वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स में रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है इसमें, जिसका मतलब क्या है, इंटीजर में उसको हम लोग बोलेंगे 1। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसको हम लोग इंटीजर में बोलेंगे 0। ओके, तो 0 और 1 वैल्यू में हम लोग को रिटर्न करके मिलेगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ रिलेशनल op.c, फिर उसको हम लोग कर देते हैं कंपाइल और कर देते हैं रन। यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ PRINT। ओके, 0 एरर और यहाँ पे रन हो गया। एंटर वैल्यू फॉर ए, मैं 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू 10 डाल रहा हूँ। एंटर वैल्यू फॉर बी, बी की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 20। अब एंटर जैसे ही दबाऊंगा तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, हम लोग इसमें स्लैश एंड ऐड कर लेते हैं तो हम लोग का आउटपुट थोड़ा अच्छा देखने मिलेगा। हम लोग यहाँ पे स्लैश एन लगा लेते हैं, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन और स्लैश एन, सेव करते हैं और यहाँ पे वापस से रन करते हैं। जब रन करते हैं तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 डालूंगा, बी की वैल्यू डालूंगा 20, और इस प्रकार से हम लोग का आउटपुट मिलेगा 10 इज ग्रेटर देन 20, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, 10 जो है वो 20 से छोटा है तो फॉल्स हो गया, तो वहां पे वैल्यू प्रिंट किया 0। 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है और दोनों में कंपेयर किया और ट्रू पाया गया, ठीक है, तो वहां प्रिंट हुआ है 1। यहाँ पे प्रिंट हो गया है 1, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो वहां पे फॉल्स दिखा रहा, तो आउटपुट में आया 0। 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, लेस देन है इक्वल तो नहीं है, तो हम लोग को ट्रू मिल रहा है। 10 इज इक्वल टू 20, इक्वल नहीं है, ठीक है, छोटा है, तो वहां पे हम लोग को 0 मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लॉजिकल ऑपरेटर यूजिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h.h, उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main, इस प्रकार से हमने लिख लिया। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंट ए कॉमा बी मैं ले लूंगा वेरिएबल, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्लियर स्क्रीन CLRSCR, देन उसके बाद हम लोग दोनों में इनपुट लेंगे, ए और बी में हम लोग इनपुट ले लेंगे। प्रिंट एफ यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्लैश एन, एंटर वैल्यू फॉर ए, स्कैन एफ यहां पे मैं दे दूंगा
यहाँ पे मैंने दिया परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए, फिर उसके बाद प्रिंट एफ। अब बी के लिए हम लोग इनपुट ले लेंगे, स्लैश एन एंटर वैल्यू फॉर बी, स्कैन एफ, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे परसेंट डी कॉमा दे के एम परसेंट बी। दोनों में इनपुट ले लिए। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, मैं प्रिंट एफ के अंदर ही यूज़ कर रहा हूँ, सेम जैसा हम लोग लास्ट प्रोग्राम में किए थे रिलेशनल ऑपरेटर के प्रोग्राम में, वैसे ही। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लैश एन ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन लेंगे। सबसे पहले हम लोग कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, यहाँ पे चलो हम लोग एक और वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हम लोग ले लेते हैं सी, और यहाँ पे हम लोग एक इनपुट और हम लोग दे देंगे सी के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट हम लोग कर लेते हैं ठीक है। एंटर वैल्यू फॉर सी भी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, तो हम लोग पास तीन वैल्यू हो जाएगी कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या दूंगा, और यहाँ पे जो भी हम लोगों को आउटपुट मिलेगा ठीक है, परसेंट डी, हम लोग ऐसा सिंगल आउटपुट ले रहे हैं ठीक है, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लॉजिकल एंड ए एंड डी ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एफ स्लैश एन लॉजिकल, और यहाँ पे मैं दे दूंगा परसेंट डी ठीक है। यहाँ से भी हम लोग को ट्रू फॉल्स में वैल्यू मिलेगी, तो मैं यहाँ पे भी कंडीशन लगा देता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे मैंने इस प्रकार का कंडीशन लगा दिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट, प्रिंट एफ नॉट के लिए हम लोग यहाँ स्टेटमेंट लिख लेंगे स्लैश एन लॉजिकल नॉट। यहाँ पे हम लोग को सिंगल कंडीशन की जरूरत पड़ती है परसेंट डी, और यहाँ पे हम लोग ए इज ग्रेटर देन या फिर लेस देन बी हम लोग दे देते हैं और उसके सामने लगा देंगे नॉट, नॉट यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर ए की वैल्यू जो है बी से छोटी होगी, मतलब ट्रू अगर हो जाएगा तो ये इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा ठीक है। और यहाँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर में ये दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वैल्यू ट्रू मिलेगी, मतलब वन मिलेगी, बाकी टाइम जीरो मिलेगी। यहाँ पे लॉजिकल और हमने यूज किया, तो दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो हम लोग को वैल्यू ट्रू मिलती है, तो वैल्यू वन मिलेगी, अदरवाइज हम लोग को मिलेगी फॉल्स। तो हम लोग इसको कर लेते हैं सेव लॉजिकल ऑपरेटर डॉट सी, हम लोग इसको कर देते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, कर देते हैं रन। एंटर वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू फॉर बी ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर सी। तो यहाँ पे देखो ठीक है, लॉजिकल एंड में जीरो आ रहा है ठीक है, कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गया होगा, लॉजिकल और में वन आ रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू है, बी इज ग्रेटर देन ए किया हूँ और वहां पे सी इज ग्रेटर देन बी हमने किया है,
ठीक है, लॉजिकल ऑट में, नॉट में ट्रू आ रहा था, वहां पे फॉल्स कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे ए बी सी में क्या क्या डाला था, ए में हम लोग ने डाला था 10, बी में डाला था 20, सी में डाला था 20, 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कैसे कैसे मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 20 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आगे वाला कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एंड जो हम लोग लिखे ऑपरेटर, उसके बाद वाले कोई भी कंडीशन चेक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे 0 मिल रहा था आउटपुट। यहाँ पे हमने लिखा है बी इज ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू 20, 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है। फिर उसके बाद बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी मतलब 20 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक कंडीशन ट्रू हुआ था, मतलब हम लोग को फाइनल आउटपुट मिलेगा ट्रू। यहाँ पे है ए इज लेस देन बी, मीन्स 10 इज लेस देन 20, कंडीशन होगा ट्रू। सामने लगा हुआ है नॉट, इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन ट्रू था उसको वो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं